मॉर्निंग क्लास, आज का जो टॉपिक आपका है दैट इज लीनियर मोमेंटम. सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है. सो मोमेंटम आपके लिए एक नया कंसेप्ट है. मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी. Contained in a body. So motion हमने kinematics में पढ़ा. तो अब dynamics हम पढ़ रहे हैं. तो previous lectures में हम inertia force के बारे में बात की. First law of inertia, that is Newton's first law of motion, discuss किया. So your second law of motion is mainly based on momentum. So एक body अगर motion में है तो उस बॉडी के पास उस मोशन की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज नोन एज मोमेंटम. एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे बच्चे पी से. इट इज डिनोटेड बाय पी. एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. हैवियर द मास, जितना ज्यादा आपकी बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा. इट मींस उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा. एक बॉडी की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा उसके अंदर मोमेंटम होगा. हायर द मास हायर इज द वेलोसिटी, सॉरी हायर इज द मोमेंटम एंड हायर इज द वेलोसिटी हायर इज द मोमेंटम. अगर मास कम है मोमेंटम विल बी, मोमेंटम भी कम होगा. वेलोसिटी अगर कम है बॉडी की सो उसका मोमेंटम भी कम होगा. नेक्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर पी इज वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट्स की बात अगर हम करें मोमेंटम के यूनिट्स, तो मास का यूनिट है केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. So the unit, the SI unit of momentum is what, kg meter per second. और अगर हम dimensional formula की बात करें, so the dimensional formula is mass के लिए m, power is 1, velocity का बचे lt minus 1. So the dimensional formula for linear momentum is m1 l1 t minus 1. This was all about momentum. नेक्स्ट टॉपिक में हम योर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग क्लास, आज का जो टॉपिक आपका रहेगा दैट इज एसी जनरेटर. योर मैग्नेटिक, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं. सो ट्रांसफॉर्मर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. आज का एक और आपका डिवाइस हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर